वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं नैब का कोई केस उनके दौर में शुरू नहीं हुआ, किसी दबाव में नहीं आएंगे, आखिर तक जाएंगे। और ये भी कहा कि इतने सबूत हैं कि मुजरिम बच नहीं सकते। शहबाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। सहाफियों से मुलाकात में कहा कि इंतजामी सतह पर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, ब्यूरोक्रेसी में पुरानी हुकूमत के लोग हर जगह बैठे हैं। किसी दबाव में नहीं आएंगे और आखिर तक जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कई अहम पहलुओं पर गुफ्तगू की। अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यह अपोजिशन हकीकी अपोजिशन नहीं, सिर्फ अपनी जायदादें बचाने के लिए इकट्ठी हुई है। शहबाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे थे। मुल्क को लूटने वालों के खिलाफ इतने सबूत मौजूद है कि मुजरिम बच नहीं सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अवाम पर पहले ही बहुत बोझ डाल चुके हैं, मजीद नहीं डालना चाहते। एहतसाब से खौफजदा लोग NRO करना चाहते हैं। हुकूमत के खिलाफ काम करने वालों में ज्यादातर अफराद को अपने खिलाफ एहतसाब का डर है। मुल्क की मईशत और IMF के साथ मामलात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मईशत के हवाले से किसी किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल का सामना नहीं। IMF के साथ कवायद और जवाबित तय करने के लिए बातचीत जारी है। बिजली की कीमत ना बढ़ाते तो गर्दिशी कर्जे मजीद बढ़ जाते। पाकिस्तान संगीन सूरत हाल से दो चार है। हुकूमत के पास कर्जे लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइंदा चंद माह यकीनन सख्त होंगे, फिर पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में होगा।